अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 41 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, प्रॉब्लम 16। वो कहते हैं नंबर डेंसिटी बताओ, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे ऑक्सीजन के 0 सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर वो कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बताओ, इन कॉपर के अंदर रेशियो बताओ लेटेस्ट ऑफ द लेटर टू द फार्मर, यानी कॉपर वाले की रेशियो निकालनी है ऑक्सीजन वाले के साथ। फिर एवरेज डिस्टेंस निकालना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अज्यूम करना है कि जो एज लेंथ है क्यूब की वो वॉल्यूम इक्वल होगा अवेलेबल वॉल्यूम पर पार्टिकल। अब हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है, यहाँ से एन वी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एन ओवर वी को एन नॉट का नाम दे देंगे, तो एन नॉट आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद नंबर डेंसिटी। तो पी ओवर के टी प्रेशर एटमोस्फेरिक पता है हमें, स्टैंडर्ड एटीएम पास्कल में इतना आ जाता है, के की वैल्यू पता है, टेम्परेचर 0 सेल्सियस को केल्विन में तब्दील कर लेंगे 273, तो 2.710 इस पर 25 आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे पर मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं एक टूल के नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं उसमें आपके पास वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले आएंगे तो डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, मोलर मास नीचे रहेगा। तो इसके लिहाज से ये सॉल्व कर लेंगे, हमें सैंपल डेंसिटी भी पता है, देन आपके पास एवोगाड्रो नंबर भी पता है, मोलर मास भी पता है कॉपर के लिए, तो ये सारी चीजें लगाएंगे तो 8.43 × 10⁸ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कॉपर के लिए। तो ये कॉपर का डाटा इस्तेमाल किया हमने। फिर दोनों की रेशियो ले लेंगे, कॉपर का भी पता है ऑक्सीजन का भी पता है, तो ये 3.1 × 10³ की रेशियो आ जाएगी। डिस्टेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई जो एन की 1/3 है वो आपके पास रेसिप्रोकल लेंगे तो एवरेज डिस्टेंस ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, तो एन की पावर -1/3 कंसिडर किया जा सकता है, तो 2.7 जो उसके पास तादाद थी एन की उसकी पावर -1/3 कर लेंगे तो 3.3 नैनोमीटर आ जाएगा। और एवरेज डिस्टेंस ओवरऑल करेंगे तो वो कॉपर के लिए बात कर लेंगे तो उसी तरीके से ये 0.23 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।